छात्रों, आप सभी को मालूम है कि खेलों में दो प्रकार हैं। पहला है कि शारीरिक खेल और दूसरा है मानसिक खेल। उसी प्रकार खेलों में और दो प्रकार है, और दो प्रकार है। उसमें पहला है कि वैयक्तिक खेल और सामूहिक खेल के रूप में भेद किए जा सकते हैं। आप सभी को मालूम है कि खेलों में दो प्रकार हैं। पहला है कि शारीरिक खेल और दूसरा है मानसिक खेल। जिन खेल खेलने से हमें शारीरिक श्रम होता है, उन खेलों को शारीरिक खेल कहते हैं। उदाहरण के लिए कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, थ्रोबॉल, फुटबॉल, ये सभी है। और जिन खेलों को खेलने से हमें मानसिक श्रम होता है, उन्हें मानसिक खेल कहते हैं। उदाहरण के लिए शतरंज, बाघ बकरी खेल, पासा, चेस आदि खेल होते हैं। इसी प्रकार खेलों में और दो प्रकार है। उसमें पहला है वैयक्तिक खेल, इंडिविजुअल गेम, और दूसरा है सामूहिक खेल के रूप में भी भेद किए जा सकते हैं। उसी तरह खेलों को और दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है। उसमें पहला है वैयक्तिक खेल और दूसरा है सामूहिक खेल। वैयक्तिक खेल का मतलब इंडिविजुअल गेम, इंडिविजुअल वैयक्तिक रूप में जो खेल हम खेलते हैं उसे वैयक्तिक खेल कहते हैं। सामूहिक खेल, सामूहिक रूप में जो खेल खेलते हैं उसे सामूहिक खेल कहते हैं। वैयक्तिक खेल के लिए उदाहरण है कि तैरना। वैयक्तिक खेलों के लिए उदाहरण है तैरना, दौड़ना, एरोबिक्स, तीर चलाना, बिलियर्ड्स शूटिंग, नाव चलाना, छलांग मारना आदि वैयक्तिक खेलों के लिए उदाहरण है। वैयक्तिक खेलों के लिए उदाहरण है, वैयक्तिक खेलों के लिए उदाहरण है कि सबसे पहले तैरना, स्विमिंग, दौड़ना, रनिंग, एरोबिक्स, तीर चलाना, तीर को चलाना, और बिलियर्ड्स शूटिंग, और नाव चलाना, पानी में नाव चलाना, छलांग मारना, ये सभी इंडिविजुअल गेमों के लिए उदाहरण है। उसी तरह सामूहिक खेलों के लिए उदाहरण है कि वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन आदि सामूहिक खेल के लिए उदाहरण है। इसी प्रकार खेल का और एक भेद भी है। इसी प्रकार खेलों में और एक भेदों में विभाजित किया जाता है, वे है कि इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स। आउटडोर मैदानी खेल है, घरेलू खेल है। मैदान खेल आउटडोर गेम्स और घरेलू खेल है इंडोर गेम्स है। तो मैदानी खेलों के लिए
आउटडोर खेलों के लिए मैदान में, क्रीड़ा मैदान में जिन खेलों को खेलते हैं उन्हें मैदानी खेल कहते हैं। उदाहरण के लिए क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, वॉलीबॉल आदि बहुत गेम, खो खो, थ्रो बॉल आदि बहुत से खेल मैदानी खेल है। आदि बहुत से खेल आउटडोर गेम्स होते हैं। उसी तरह इंडोर गेम्स है, घरेलू खेल होते हैं, शतरंज, कैरम, पासा आदि घरेलू खेल होते हैं। आजकल हमारे देश में हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, शतरंज, कुश्ती आदि खेल काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं। आजकल इस आधुनिक युग में, इस 21वीं शताब्दी में बहुत लोकप्रिय खेल है कि सबसे पहले क्रिकेट है। सबसे पहले क्रिकेट इस 21वीं शताब्दी में सारी दुनिया में लोकप्रिय खेल है क्रिकेट। इसके बाद में फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, शतरंज, कुश्ती आदि बहुत से खेल लोकप्रिय है। राज्य और राष्ट्र के स्तर पर खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया जाते हैं। जो लोग खेल के लिए अपने जीवित जीवन अर्पित करते हैं वे राज्य की कीर्ति सारे देश में फैलाने के लिए, राष्ट्र की कीर्ति दुनिया में फैलाने के लिए वे बहुत मशहूर रूप में खेलते हैं। वे लोगों को राज्य के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर इन खिलाड़ियों को, खिलाड़ी का मतलब प्लेयर, पुरस्कार दिए जाते हैं। बहुत से पुरस्कार दिए जाते हैं। छात्रों, हम नेक्स्ट क्लास में और खेलों के बारे में जान करेंगे। आप सभी को धन्यवाद। आप भी सुबह के समय में व्यायाम कीजिए, वॉकिंग कीजिए, और एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, प्रार्थना कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। यह निरंतर रूप में करने से हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छी तरह होता है, हम जिंदगी भर स्वस्थ रहते हैं। इसलिए आप इस बचपन से ही अच्छे आदतों को अपनाइए। आप सभी को धन्यवाद। आगे पाठ के बारे में, आगे की पाठ के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जान करेंगे।